आई वॉज इन सेवेंथ स्टैंडर्ड, तब मुझे पहला प्रपोजल आया था और मैंने उस बेचारे को मेरे हेड मिस्ट्रेस जो थी, व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट शो जोधा अकबर, भले ही छोटा सा कैरेक्टर था बट वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जिसने मेरी थिंकिंग चेंज करी। पोस्ट लव प्रपोजल, अरे ये तो मतलब स्कूल में, आई वॉज इन सेवेंथ स्टैंडर्ड, तब मुझे पहला प्रपोजल आया था और मैंने उस बेचारे को मेरे हेड मिस्ट्रेस जो थी उनसे पिटवा दिया था। हार्ट ब्रेक ऐसा मतलब कि जो प्रोजेक्ट आप चाहते हो कि आपको मिल जाए, जिसके लिए बहुत मेहनत करो वो नहीं मिलता, तब हार्ट ब्रेक होता है। दैट्स माय काइंड ऑफ ब्रेक। फर्स्ट मोमेंट ऑफ अचीवमेंट, व्हेन आई गॉट माय फर्स्ट शो जोधा अकबर, भले ही छोटा सा कैरेक्टर था बट वो मेरे लिए तो बहुत बड़ा अचीवमेंट था एक शुरुआत होना। एंड उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा अचीवमेंट आर्टिकल 15 थी मेरी पहली फिल्म। एंड नाउ इंग्लिश, एक्चुअली एवरीथिंग इज एन अचीवमेंट, every ad, every film, every serial, everything. Okay. Even every interview also. So, for celebrity crush? Salman Khan. Salman Khan. Okay. First movie will change your perception. ऐसी कोई भी फिल्म नहीं है जिसने मेरी थिंकिंग चेंज करी। First public fight. Public fight? Yes. I never got into a fight, I guess. Or I have. Never. मैं कभी नहीं घुसती सबने। फर्स्ट टाइम यू फेल्ट चीटेड? हाँ, वो मेरे साथ ऐसा हुआ है जब मैं कुछ अपने लिए खाने के लिए रख के जाऊँ, जब मुझे पता चले मैं वापस आई हूँ कि मेरी बहन ने वो खा लिया है, ये बोलने के बाद कि वो मैं क्या खाने वाली थी। फर्स्ट टाइम यू हर्ड गुड और बैड रूमर्स अबाउट यू? गुड और बैड रूमर्स, आई डोंट नो अबाउट दीस, मुझे रूमर्स मुझ तक पहुंचते ही नहीं है। होते भी होंगे तो भी नहीं पहुंचते एक्चुअली। जिस तरीके से शो से जुड़ जाते हैं, इतने सारे एडिट्स आते हैं मुझे, अब मुझे वजह से भी वक्त नहीं मिल पाता और इतना ज्यादा हेक्टिक होता है, इतना थक जाते हैं। राइट नाउ ऑल्सो माई आई एम हैविंग अ हेडेक राइट नाउ, एंड इट्स लाइक बहुत ज्यादा ही, तो वो मुझे वक्त मिलता ही नहीं है। कभी घर आए तो सिर्फ बिस्तर दिखता है कि सो जाओ, पर जितने भी एडिट्स आते हैं मैं सब देखती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा बहुत खुशनसीब फील करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि सब इतना प्यार दे रहे हैं। और क्योंकि मुझे डर था कि लोग एक्सेप्ट कर पाएंगे एक नया चेहरा लीड के रूप में, स्टार्टर्स के लीड इतना बड़ा शो, पर उन्होंने जितने प्यार से मुझे एक्सेप्ट किया है, जितना प्यार दिया है, अभी तक दे रहे हैं, इतना पसंद कर रहे हैं पूरी स्टोरी को, सो मैं थैंक यू के अलावा मैं क्या ही बोलूँ। मतलब ये सब इनके लिए ही हम काम कर रहे हैं क्योंकि यही सब हमें देख रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ, थैंक यू।